अभी आपने ये वायरल वीडियो देखा, वीडियो यूपी के हापुड़ का है जहां टोल टैक्स मांगे जाने पर एक बुलडोजर चालक ने तोड़फोड़ मचा दी। उसने टोल बूथ को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके कहा जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर का नाम मोहम्मद साजिद अली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, इनसे मिलिए, ये है मोहम्मद साजिद अली। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेकर खुद को भगवान समझ रहे थे, टोल के पैसे मांगे जाने पर टोल गेट को दो बूथ तोड़ दिए। अब इनकी गुंडई देखते ही ओरिजिनल बुलडोजर बाबा की पुलिस एक्शन में आई और भगवान से सीधा इनको भूत बना दिया। चलने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह के दावे कई अन्य यूजर्स ने भी शेयर किए हैं, जिनमें ड्राइवर का नाम साजिद अली बताया गया है। क्या हापुड़ के टोल प्लाजा पर बुलडोजर से उत्पात मचाने वाले का नाम साजिद अली है? गूगल सर्च करने पर कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिनमें आरोपी ड्राइवर का नाम धीरज बताया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ मचाने के बाद एक कार और दो मोटरसाइकिल पे भी टक्कर मारी थी। इस दौरान दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक घंटे के लिए जाम लग गया। आरोपी के नाम की पुष्टि के लिए हमने इंडिया टुडे से जुड़े हापुड़ के संवाददाता देवेंद्र से भी संपर्क किया। उन्होंने भी बताया कि आरोपी ड्राइवर को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। देवेंद्र ने कहा, आरोपी ड्राइवर का नाम धीरज और उनके पिता का नाम विद्याराम है। धीरज यूपी के बदायूं जिले का रहने वाला है। बुलडोजर के मालिक का नाम मोहम्मद साजिद अली है, जो मसूरी के रहने वाले हैं, लेकिन उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना को लेकर हापुड़ पुलिस ने भी अपने एक हैंडल से ट्वीट किया है। इसमें भी आरोपी का नाम धीरज बताया गया है। लिखा है कि उसके खिलाफ पिलखुआ और गढ़मुक्तेश्वर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हापुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया, ये जो जेसीबी चालक है, इसका नाम धीरज है, सन ऑफ विद्याराम। ये रहने वाला मूल रूप से जनपद बदायूं का बता रहा है। इसकी उम्र लगभग 23-24 साल है और ये जो जेसीबी चालक था, ये जेसीबी का ड्राइवर नहीं था बल्कि एक ईंट के भट्टे पे काम करने वाला मजदूर था। और आज सवेरे ही ये जेसीबी लेकर के वहां से ये निकल गया था। और अभी तक जो तथ्य प्रकाश में है, उसमें ये भी पाया गया कि ये बेहद नशे में धुत था। जब इसका पीछा किया जा रहा था तो इसने दो तीन और गाड़ी को भी चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है और हमारे पुलिस कर्मियों के अभिरक्षा से भागने का भी प्रयास कर रहा था। इसको हमने नियंत्रण में ला करके अरेस्ट कर लिया है। इसकी जो जेसीबी है उसको भी सीज कर लिया गया है। तो साफ है कि यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर बुलडोजर से तोड़फोड़ करने वाले ड्राइवर का नाम धीरज है, उसे साजिद अली बताकर भ्रामक दावे के साथ पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये पड़ताल आपके लिए की थी हमारे साथी शुभम ने। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहे ललन टॉप पर। शुक्रिया।